एपिसोड 196 लेकर आ गया वो अर्बन कल्टीवेटर का। याओ कैप्टन के पीछे चली जाती है पैसा लेने के लिए। फिर बाहर के गार्ड लोग बात करने लग जाते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, एक लड़की को पैसा देने में इतना टाइम लगता है क्या? दूसरा आदमी बोलता है, लगता है कि हमारे लीडर उसके साथ कुछ कर रहे हैं। तभी लीडर बाहर आ जाता है, बोलता है, हे तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, ये लड़की से डील करना सही में बहुत ही मुश्किल वाला बात है, जाओ तुम दोनों इसे लेकर जाओ। गार्ड बोलते हैं, लीडर लेकिन हमारे पास तो एक्सेस कार्ड भी नहीं है, हम लोग तो आपको फॉलो ही कर सकते हैं। लीडर बोलते हैं, ठीक है तुम लोग आगे चलो, हमारा पहला प्रायोरिटी है ये इमॉर्टल को ले जाना। फिर वो जनरल के पास आके बोलते हैं, हे हमारे पास एडवांस इमॉर्टल है। लीडर बोलते हैं, जाओ उसके पेट में पावर लिमिट वाला नेल चुबा देना, तब तक वो नेल उसके पेट में रहेगा, वो अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अब जल्दी से अपना शकल लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर गार्ड चैन को बोलते हैं, आगे चलो। चैन अपने मन में बोलते हैं, ये पावर लिमिट का नेल इमॉर्टल बॉडी के कोर में लगाया जाता है, जिससे वो लोग अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। क्या आनिया को भी ये सब सहना पड़ा होगा? तभी वो अंदर में देखता है, वहाँ पर बहुत सारे इमॉर्टल होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, प्लीज मुझे मार डालो। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, उसे मार डालो और यहाँ से भागो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। तभी एक गार्ड बोलता है, इसके बॉडी में 10 मिलीग्राम एड्रेनलिन डाल दो। मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए काफ़ी है, कैसा रहेगा कि 20 मिलीग्राम? ये एक इमॉर्टल है तो इतनी जल्दी ये मर नहीं सकता है। दूसरा गार्ड बोलता है, नहीं अगर ये मर गया तो सारा ब्लेम हम पर ही आएगा। फिर गार्ड चैन को बोलता है, हे तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है, तुम एडवांस इमॉर्टल हो, हमसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चैन बोलता है, मैं अपना मन बदल दिया हूँ, मैं यहाँ के सभी लोगों को मार डालूंगा। फिर वो अपना रस्सी को खोल देता है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो ड्रिंक करते हुए बोलती है, ये बेवकूफ़ लोग इमॉर्टल का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन को बना रहा है, उनका खून में पूरा ताकत भरा हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी नॉक करता है। वो लड़की बोलती है, क्या हुआ तुम्हें? एक आदमी बोलता है, मैम ये कैदी लोग भागने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की बोलती है, यहाँ का कैदी जॉम्बी से कम नहीं है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही कर लेंगे। फिर वो कैमरे में देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो एडवांस इमॉर्टल से भी बहुत ही ऊपर है। फिर वो अपने मन में बोलती है, इसका खून सही में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होगा। दूसरी तरफ चैन उनके शरीर से नेल निकाल रहा होता है। वो आदमी बोलता है, वो लोग हर हफ्ता हमारे अंदर ये नेल को डालता रहता है, जब हम लोग को इसका ताकत का इस्तेमाल करना होता है वो इस नेल को निकाल देते हैं, और जैसे ही हमारा काम ख़त्म होता है और ये नेल फिर से हमारे अंदर डाल दिया जाता है और फिर हमें ये पिंजरे में फेंक दिया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द वाला बात है, तुम्हारा शुक्रिया ये नेल को निकालने के लिए। चैन बोलता है, और लड़के लोग का क्या, वो लोग कहाँ पर है? वो लड़का बोलता है, लड़कियाँ तो यहाँ पर नहीं है, वो लोग को कहीं और सिक्योर जगह में रखा जाता है, मुझे नहीं पता कि उनका ज़िंदगी अच्छा है कि बर्बाद। वो लोग ये डिवाइस का वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, इसका मतलब और भी ज़्यादा गार्ड यहाँ पर आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम हम सभी को बचा सकते हो, प्लीज़ मुझे मार डालो, मैं और सह नहीं पाऊँगा। दूसरा आदमी बोलता है, हमारे बारे में चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ, ये पूरा प्लानिट को तबाह करके हमारा बदला लेना। चैन उन लोगों को ठीक करते हुए बोलता है, तुम लोग अपना बदला खुद ही लेना, मैं तुम्हारा बदला कभी नहीं लूँगा। फिर वो लोग बोलते हैं, ठीक है तुम जाओ, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे यहाँ पर। चलो ये सभी गार्ड को दिखाते हैं कि इमॉर्टल में कितना दम होता है। फिर वो गार्ड लोग वहाँ पर आ जाते हैं, बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी इमॉर्टल नहीं है। तभी एक गार्ड बोलते हैं, यहाँ की सभी लड़की इमॉर्टल कहाँ पर है? दूसरा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें इस बारे में पता नहीं है क्या, असल में तुम हो कौन? फिर याओ अपने रूप में आ जाते हुए बोलती है, जबकि चैन सभी को छुड़ा दिया है, अब मैं तुम सभी को मार सकती हूँ। वो लोग बोलते हैं, ये दुश्मन है, हमला करो इस पर। याओ सेल की मदद से उसके सभी हमले को रोक देते हुए बोलती है, चलो मैं तुम्हारे लिए एक आखिरी गाना प्ले करती हूँ। फिर वो गाना बजाकर सभी को मार डालती है। दूसरी तरफ वो लड़की चैन के पास आ जाती है, बोलती है, हे इमॉर्टल मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगी, अगर तुम मेरे साथ हो जाओगे तुम्हें जो चाहिए होगा मैं तुम्हें दूंगी, मैं तुम्हें पूरा जेल और ये बॉडी भी दे दूंगी मेरा, अगर तुम इसके बदले मुझे अपने दिल का खून दोगे पीने तो तुम ये पूरे प्रिजन का राजा बनोगे। तभी चैन उस पर हमला कर देता है। वहाँ पर सील्ड होने के कारण उसका हमला वहीं पर रुक जाता है। वो लड़की बोलती है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा दम है, अगर तुम्हारा ताकत गोल्डन कोर से ज़्यादा होता तो तुम इसे तोड़ पाते, अब अच्छा होगा कि तुम मेरा बात मान लो। चैन बोलता है, क्या मुझे तुम्हारा बॉडी मिलेगा? वो लड़की बोलती है, बिल्कुल मैं एकदम तैयार हूँ, ये लो मैं तुम्हें हर जगह से सेटिस्फाई कर सकती हूँ। चैन बोलता है, ठीक है मैं जाकर खुद ही ले लूँगा। फिर वो पंच मारता है जिससे वो सेल वहीं पर टूट जाता है। वो लड़की ये देखकर शॉक्ड हो जाती है, बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है? जैसे वो शूट करने वाली होती है चैन उसका हाथ पकड़ के तोड़ डालता है, मुझे बहुत ही तरीका आता है बॉडी से खेलने का, अगर तुम नहीं चाहते तो बताओ मुझे ये लड़की इमॉर्टल लोग कहाँ पर है। वो लड़की बोलती है,
लड़की इमॉर्टल, यहाँ पर एक भी नहीं है। चैन बोलता है, तो तुम मेरे काम की नहीं हो। वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं आप किसे खोज रहे हो मुझे बताओ, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगी। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है, बोलती है, हे डिटी चैन, आप जिसे खोज रहे हो वो तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये लड़की इस इमॉर्टल का ब्लड पी रही है अपना टॉनिक के लिए। देखिए यहाँ पर सबूत है इसका। चैन उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है, तुम मुझसे झूठ बोली, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं प्लीज़ मेरा बात तो सुन लो, मैं सिर्फ इनका खून ली थी और मैं इनके साथ कुछ भी नहीं की हूँ। दूसरे वार्डन लोग मेरे से भी बुरा काम कर रहे हैं, वो लोग सभी लड़कियों को लड़की को दे देते हैं, उन्हें जो मर्जी होता है वो लोग वही करते हैं। यही बोलती है, चैन ये सही बोल रहा है, अगर हम लोग जल्दी नहीं करें तो आनिया। वो लड़की बोलती है, आनिया मैं उसे जानती हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे मत मारो मैं बताती हूँ। चैन उसे फेंक देता है, बोलता है, बताओ मुझे। वो लड़की बोलती है, आनिया बहुत ही ज़्यादा रियर है, और जैसे ही उसे पकड़ा गया था उसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के मेंशन में भेज दिया। मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ, मुझे पता है प्रेसिडेंट के मेंशन के बारे में, यहाँ का सिक्योरिटी लेवल से बढ़िया वहाँ का लेवल है, मेंशन के हर जगह लाइटनिंग डिवाइस रखा हुआ है। चैन बोलता है, ये सब कुछ साफ करके पार्किंग लॉट में मिलना। यही बोलता है कि तुम वहाँ पर अकेला जाना चाहते हो क्या, जबकि प्रेसिडेंट को लड़की मोटर पसंद है तो तुम मुझे ले जाओ। चैन बोलता है, हमने यहाँ पर बहुत ही बड़ा तबाही कर दिया है, सभी को इस बारे में पता चल गया होगा, अगर मैं वहाँ पर जल्दी नहीं गया तो कुछ भी हो सकता है। फिर वो प्रेसिडेंट के मेंशन की ओर जाता है, तभी वो देखता है वहाँ पर प्रोटेक्शन होता है। वो उसे देख के बोलता है, ये तो प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है, वो भी डार्कनेस स्टार रिल्म का, आज मैं इसे यहीं पर तबाह कर दूंगा। फिर वो फॉर्मेशन पर हमला कर देता है। फिर वो सॉफ्ट होकर अपने मन में बोलता है, ये बाहर के सभी सुपर पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब इसे बनाने के लिए बहुत सारे इमॉर्टल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, ये फॉर्मेशन को मैं ही तोड़ूंगा। तभी वहाँ के बहुत सारे लोग आ जाते हैं, बोलते हैं, हे रुक जाओ, कौन हो तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम डार्कनेस डार्क रिम पर हमला कर रहे हो, यह फॉर्मेशन हमारे गार्ड प्रोटेक्ट करते हैं, तुम इसे कभी भी तोड़ नहीं सकोगे। चैन बोलता है, तुम मेरे सामने एक कीड़े के बराबर हो। फिर वो अपना ब्लैक टॉर्टोइस को बुला लेता है और उस पर हमला करता है। ये देखकर वहाँ के सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, ये तो एक बीस्ट है। कैप्टन बोलता है, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। तभी वो प्रोटेक्शन ब्लैक टॉर्टोइस का ताकत को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। चैन बोलता है, चलो देखते हो कि कितना तुम ताकत को एब्जॉर्ब कर सकते हो। फिर वो अपने सभी ताकत को वहाँ पर बुला देता है और वो प्रोटेक्शन उन सभी का ताकत को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर चैन बोलता है, अब तुम्हारा प्रोटेक्शन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो उस प्रोटेक्शन को वहीं पर तोड़ डालता है। दूसरी तरफ वो सभी लोग खुश हो जाते हैं, बोलते हैं, ये प्रोटेक्शन टूट गया है, अब हमारा ताकत वापस आ गया है। फिर कुछ देर में चैन मेंशन में पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर गार्ड आ जाते हैं, बोलते हैं, हे तुम कौन हो। दूसरा आदमी बोलता है, हे बकवास मत करो, इस पर हमला करो। फिर चैन जैसे ही चुटकी बजाता है वो दोनों वहीं पर फट जाते हैं।